नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मम्मा किचन में स्वागत है। आज मैं आपसे ढाबे वाले अंडे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ सबसे पहले हमें अंडे उबाल लेना है और उसके छिलके छील लेने हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म करके अंडे को डाल के अंडे को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और अंडे को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तेजपत्ता को छोड़ के सभी खड़े मसालों को कूट लेना है और सबसे पहले तेल गर्म करके उसमें तेजपत्ता डालना है, फिर खड़े मसाले डालना है और साथ ही कटा प्याज इसमें डाल देना है और कटे प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाए तब हम इसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से मसाले नीचे चिपकेंगे नहीं और ग्रेवी बहुत अच्छा कलर आता है। जब हमारे मसाले तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे तेल छोड़ने तक पकाएंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से तेल छोड़ने लग जाए और ग्रेवी का अच्छा सा कलर आ जाए तब हम इसमें फ्राई किया हुआ अंडा डालेंगे। आँच हमें स्लो रखना है और इसे एक बार मिक्स करेंगे। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और गरम मसाला डालना है। इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए और साथ में अब इसमें गरम पानी डाल देना है। गरम पानी डालने से ग्रेवी अपना अच्छा कलर छोड़ता है, तेल भी सेपरेट हो जाता है। इन अंडों को 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे और 7 मिनट बाद ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि अंडे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। फिर हमें इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कुक करना है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, चाहे गाढ़ी या पतली, उसके अकॉर्डिंग ग्रेवी रखिए। आप इसमें धनिया पत्ते डालिए और ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसी तरीके की आसान रेसिपी देखने के लिए मम्मा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।